देखिए वहाँ क्या हो रहा है। छोटी रेड राइडिंग हुड जंगल में सोई हुई सुंदरता से बात कर रही है। वे एक साथ क्यों हैं? वो फेरी टेल्स को फॉलो करें और आज ही कहानी का पता लगाएं। एक बार की बात है, एक प्यारी लड़की थी जो अक्सर अपनी दादी द्वारा बनाई गई लाल टोपी पहनती थी। उन्हें अक्सर लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा जाता था। एक दिन अपनी दादी के घर से लौटने के बाद वो रेड फ्लावर किंगडम के पास जंगल में भटक गई। अचानक उसकी नजर सुनहरे लहराते बालों वाली एक अनोखी सुगंध गाती हुई लड़की पर पड़ी। ये पहली बार था जब लिटिल रेड राइडिंग हुड को किसी ऐसे व्यक्ति से लगाव महसूस हुआ अभी अभी मिली है और उसने उससे संपर्क करने का फैसला किया। वाह, कितनी सुंदर आवाज है। नमस्ते, तुम यहाँ जंगल में क्यों हो? ओ हेलो, मैं ऑरोरा हूँ और मेरी गॉड मदर मैलेफिसेंट है, वो परी जो इस जंगल पर शासन करती है। उन्होंने बातचीत की और कहानियाँ साझा की, उन चीजों के बारे में बात की जो वे एक दूसरे के बारे में नहीं जानते थे। वो रेड हुड, आप लिटिल रेड राइडिंग हुड है ना? मैं सिर्फ लिटिल रेड राइडिंग हुड नहीं हूँ, मैं प्रसिद्ध जासूस लिटिल रेड राइडिंग हूँ। उनके उत्कृष्ट तार्किक तर्क और उल्लेखनीय अवलोकन कौशल के कारण उन्हें ये नाम दिया गया। वे किसी भी रहस्यमय समस्या का तुरंत समाधान कर सकती थी। इससे पहले जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी को भी उजागर किया था और चालाक भेड़िये से बचाया था। पहले आपने उल्लेख किया था कि आपके गॉडमदर केवदंतियों के दुष्ट परी मैलेफिसेंट है, क्या वो सच है? अरोरा जानती थी कि मैलेफिसेंट को लोग गलत समझते हैं, लेकिन वो नाराज नहीं थी। उसने शांति से लिटिल रेड राइडिंग हुड को समझाया। जब रेड फ्लावर साम्राज्य की राजकुमारी पहले महीने में पहुंची, तो राजा ने मैलेफिसेंट को छोड़कर राज्य में सभी को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया। इससे मैलेफिसेंट क्रोधित हो गई तो उसने छोटी राजकुमारी को श्राप दे दिया। 16 वर्ष की आयु में राजकुमारी चरखे पर अपनी उंगली चुभाएगी और चीर निद्रा में सो जाएगी। हालांकि मासूम और खूबसूरत अरोरा ने मैलेफिसेंट के दिल को छू लिया था, मैलेफिसेंट ने हमेशा अरोरा के विकास पर नजर रखी और उसे कई खतरों से बचाया था। इसीलिए अरोरा को पता था कि मैलेफिसेंट वास्तव में दयालु गर्मजोशी से भरी हुई थी और उसे विश्वास था कि वो उसके लिए अभिशाप को तोड़ने की कोशिश करेगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड के लिए उस कहानी पर विश्वास करना कठिन था। अचानक पीछे से भेड़िया दुर्राता हुआ बदला लेने के लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड की ओर दौड़ता हुआ आया और फिर मैलेफिसेंट प्रकट हुई और उसने दुष्ट भेड़िए को हरा दिया, जिससे वो वापस लौटने में स्थायी रूप से असमर्थ हो गया। बाद में वो लिटिल रेड राइडिंग हुड को सुरक्षित रूप से घर ले गया। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा अरोरा, जल्द ही मिलते हैं, फिर मिलेंगे जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड। उस पल में लिटिल रेड राइडिंग हुड को एहसास हुआ कि अरोरा के लिए मैलेफिसेंट का प्यार सच्चा था। मुझे आशा है कि आपका अभिशाप हटा लिया जाएगा अरोरा। जीवन तब तक शांति से चलता रहा जब तक कि एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड को बॉस अंकित मोहर वाला एक गुमनाम पत्र नहीं मिला। ये मुझे किसने भेजा? रेड फ्लावर किंगडम महल में आए और कई लड़कियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की जांच करे। रहस्यमय पत्र ने उसकी जिज्ञासा और सच्चाई को उजागर करने के दृढ़ संकल्प को बढ़ा दिया। वो रेड फ्लावर किंगडम के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक महिला गलती से उससे टकरा गई और गिर गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने तुरंत महिला की मदद की, उसकी पोशाक से गंदगी और अजीब काले गुलाबों को साफ किया। तुम ठीक हो? थोड़ा धीरे करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से गुलाबों की खुशबू चली जाएगी।
धन्यवाद लड़की, मैं मिस्टी हूँ, इस साम्राज्य में सबसे अच्छा इत्र निर्माता, इसलिए मेरी गुलाब की खुशबू इतनी आसानी से गायब नहीं होती। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने मिस्टी की प्रशंसा की और रेड फ्लावर किंगडम की अपनी यात्रा जारी रखने से पहले उससे विदाई ली। एक लंबी यात्रा के बाद वो अंततः रेड फ्लावर किंगडम के महल में पहुंची। वो जानकारी जुटाने के लिए निरीक्षण पर लग गई। राजकुमारी ऑरोरा पर लगा श्राप हटा लिया गया है। सगाई के अनुसार जल्द ही उसकी शादी इस क्षेत्र के सबसे खूबसूरत राजकुमार फिलिप से होने वाली है। ऑरोरा का श्राप हटा लिया गया है, जबरदस्त। मैंने सुना है कि अंधेरी परी ने श्राप हटा लिया था। विश्वास करना कठिन है ना? अंधेरी परी अच्छे कर्म करती है। इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात ये है कि हाल ही में कई लड़कियां गायब हो गई है। मैं सचमुच चिंतित हो रही हूँ। वास्तव में लड़कियों के गायब होने से राज्य में लोग पहले से कहीं अधिक उत्तेजित हो गए। यहाँ तक कि शाही जासूस टीम को भी सबूत इकट्ठा करने और जांच करने के लिए भेजा गया था। राजकुमारी अरोरा से महल में मिलने के लिए लिटिल रेड राइडिंग हुड चली गयी। मैं जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ और राजकुमारी ऑरोरा से मिलने यहाँ आई हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड के आगमन की खबर मिलने पर अरोरा तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आई और उसे एक छोटी सी दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। राजा अपनी बेटी के जागने का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन हाल में ही लड़कियों के गायब होने से लोग अभी भी चिंतित थे। इसीलिए राजा ने अरोरा के लिए छोटी सी दावत आयोजित करने का निर्णय लिया। आरामदायक दावत को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ कि लोगों की एक श्रृंखला ने राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लड़कियों के गायब होने के लिए प्रिंसेस अरोरा ही जिम्मेदार है। उनके आरोप को उनके आसपास के लोगों से समर्थन मिला। उन्होंने दावा किया कि लड़कियों को आखिरी बार जिस स्थान पर देखा गया था, उस स्थान पर हमेशा ताजे लाल गुलाब लगे होते थे और कोई गुलाब की खुशबू को भी सूंघ सकता था। इस राज्य में लाल गुलाबों वाला एकमात्र स्थान अरोरा गार्डन है। इसके अलावा राजकुमारी के जागने के बाद से ऐसा हो रहा है। ठीक है, राजकुमारी मैलेफिसेंट को जानती थी, वो निश्चित रूप से मैलेफिसेंट की तरह दुष्ट बन गई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अरोरा पर अनुचित आरोप लगते देखा और उसका बचाव करने के लिए खड़ी हो गई। ये क्या बकवास है? यदि मेरा बगीचा पूरे राज्य में गुलाबों वाला एकमात्र स्थान है, तो मैं ऐसे स्पष्ट प्रमाण कभी नहीं छोड़ूंगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड के जोरदार तर्क ने सभी को अवाक कर दिया। महामहिम, मैं प्रसिद्ध जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड हूँ, मुझे इस रहस्य को सुलझाने दीजिए। पिताजी, लिटिल रेड राइडिंग हुड मेरी दोस्त है, कृपया हमें सच्चाई का पता लगाने और लापता लड़कियों को बचाने की अनुमति दे। राजा अपनी बेटी को अपना नाम साफ करने का मौका देने के लिए सहमत हो गया। लोगों के पास कोई अन्य सुराग नहीं था, इसीलिए वे अनिच्छा से दोनों लड़कियों के परिणामों की प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हुए। शाम भी हो चुकी है, इसीलिए अरोरा ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के आराम के लिए एक कमरे की व्यवस्था की। जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कोई अतिरिक्त सुराग मिलने की उम्मीद में कमरे में सभी चीजें सावधानी पूर्वक एकत्रित की। दोनों ने प्रत्येक गुलाब की सावधानी पूर्वक जांच की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लंबे दिन के कारण दोनों लड़कियां थक गई। अरोरा ने लिटिल रेड राइडिंग हुड अच्छी रात की नींद की कामना की और अपने कमरे में चली गई। हालांकि रात भर उसके कमरे में रहस्यमय चीखें गूंजती रहीं। मदद करो, मेरी मदद करो, ये गुलाब इत्र। लिटिल रेड राइडिंग हुड थक कर उठी और पिछली रात की रहस्यमय चीखों के बारे में सोचने लगी। वो अरोरा को ढूंढने गई, जो परेशान थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? मदद के लिए अजीब पुकार, गुलाब और इत्र के जिक्र के कारण मैं सो नहीं सकी। ये बहुत रहस्यमय है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? दरअसल कल दावत में मैंने मैलेफिसेंट को आमंत्रित किया था, लेकिन वो नहीं आई और अब मैं चिंतित हूँ। हमें जंगल में छिपा हुआ एक अजीब कमरा मिला है, इसमें विभिन्न इत्र है।
इस नई जानकारी ने लिटिल रेड राइडिंग हुड के दिमाग में विचार जगाया और उसने इसे अरोरा के साथ साझा किया। हा? ये बात फैला दो कि हमें अपराधी का ठिकाना मिल गया है और आज रात राजकुमारी उसे पकड़ने के लिए वहाँ जाएगी। जासूस ने तेजी से संदेश भेजा और जल्द ही राज्य में सभी को पता चल गया। रात आ गई और अरोरा निर्देशों का पालन करते हुए रहस्यमय घर तक पहुँच गई। अंदर हवा गुलाबों और विभिन्न इत्र सामग्रियों के साथ कई लाल गुलाबों की खुशबू से भरी हुई थी। हा? हा? लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लाल गुलाबों के बीच एक काला गुलाब था जिसने अरोरा का ध्यान खींचा। अरोरा ने काले गुलाब को पकड़ा और उसकी बारीकी से जांच की और उसे मेलिफिसेंट की परिचित आवाज सुनाई दी। अरोरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरे जंगल में लौट आओ और श्राप तोड़ने वाली औषधि वाली काली संदूक ढूंढो। अरोरा अभी भी सदमे में थी। उसे एहसास हुआ कि काला गुलाब मेलिफिसेंट का था। जब उस पर गुलाब का इत्र छिड़का गया वो एक शानदार लाल गुलाब में बदल गया। जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्थिति देखी फिर तेजी से हमला करने और अपराधी को पकड़ने के लिए दौड़ी। पता चला वो इत्र बनाने वाली मिस्टी थी। तो ये तुम हो मिस्टी, आपने ऐसा क्यों किया? अरोरा कहाँ है? प्रिंस फिलिप के साथ अरोरा की होने वाली शादी को लेकर ईर्ष्या से ग्रस्त मिस्टी ने एक जादुई इत्र का उपयोग करके अरोरा सहित सभी लड़कियों को गुलाब में बदलने की योजना बनाई। फिर वो खुद को और अधिक सुंदर, सुगंधित और प्रिंस फिलिप का दिल जीतने के लिए इन गुलाबों का सार निकालेगी। मेलिफिसेंट को पता चल गया कि लड़कियों के बड़े पैमाने पर गायब होने के पीछे मिस्टी का हाथ था। हालांकि लापरवाही के क्षण में मिस्टी द्वारा मेलिफिसेंट को काले गुलाब में बदल दिया गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड, मेलिफिसेंट के जंगल में जाओ और जंगली जीवों से तुम्हें अभिशाप तोड़ने वाली औषधि वाले काली छाते तक ले जाने के लिए कहो। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने गुलाब से आ रही अरोरा की आवाज को पहचान लिया। उसने उसे तुरंत उठाया और भाग गई। जंगल में लिटिल रेड राइडिंग हुड को तुरंत प्राणियों से निर्देश दिए गए। हाँ? कृपया मुझे काली छाती का रास्ता दिखाओ। जीव तुरंत उसे संदूक के स्थान पर ले गए। हाँ? हालांकि संदूक को एक संख्यात्मक कोड के साथ बंद किया गया था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने स्थिति पर विचार किया। हाँ? उसे मिले रहस्यमय पत्र के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है कि पत्र मेलिफिसेंट द्वारा भेजा गया हो? यदि ऐसा है तो बॉस शब्द एक कोड हो सकता है। संख्या 8055 के बारे में क्या? 8055, ये एक कोशिश के काबिल है। उसने उसे आजमाने का फैसला किया, कोड को प्रवेश किया और उसे आश्चर्य हुआ, संदूक खुल गया जिससे अभिशाप तोड़ने वाली औषधि वाली शीशी दिखाई दी। इस संदूक की मालकिन वाकई बहुत चालाक है। उसने जल्दी से औषधि ली और अरोरा को बचाने और मेलिफिसेंट को उसके मूल रूप में वापस लाने के लिए चली गई। मामला सुलझ गया और लापता लड़कियां सुरक्षित लौट आईं। हर कोई अब अरोरा की बेगुनाही पर विश्वास करता था और मानता है कि मेलिफिसेंट वो दुष्कर्मी नहीं है जिसके बारे में सबने सोचा था। जासूस लिटिल रेड राइडिंग हुड को अपने दोस्त की मदद करने और एक और मामले को सफलतापूर्वक सुलझाने में खुशी मिली। एक दूर के राज्य में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बाल लंबे और लहराते थे। क्योंकि उनके बाल जितने लंबे होंगे उनका जादू उतना ही मजबूत होगा। मुझे सबसे लंबे, सबसे खूबसूरत बालों वाले महिला टिकली का परिचय करने की अनुमति दे। केवल वे लोग जिन्होंने वो चैनल देखा है वे ही उनसे अधिक सुंदर हो सकते हैं। मुझसे ज्यादा खूबसूरत कौन हो सकता है? और इसलिए टिकली के पास राज्य के सबसे जादुई बाल थे। टिप्पणी ने दिखावटी करतब दिखाने और ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने बालों का उपयोग किया। वो और राज्य के लोग छोटे गैर जादू बालों वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखते थे। अतीत में टिप्पणी अपने बालों का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करती थी, जैसे कि उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी, जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें बचाने के लिए अपने बालों का बलिदान देने में संकोच न करें। लेकिन छोटे बालों वाले व्यक्तियों के एक समूह की योजना के कारण अपनी माँ के निधन के बाद टिप्पणी बदल गयी। वो एक अप्रिय दिखावे में बदल गई।
हैरानी की बात ये है कि लोग अभी भी उन्हें पसंद करते हैं। कई प्रेमियों ने टिफनी को प्रस्ताव दिया, फिर भी उसकी नजर केवल राजकुमार राइडर पर थी, जो जल्द ही लंबे बालों वाली राजकुमारी बन गई। टिफनी का घमंड और भी अधिक स्पष्ट हो गया। उसने अपने जादुई बाल की देखभाल के लिए नौकरानियों की एक टीम इकट्ठा की। बालों की देखभाल के सर्वोत्तम अमृत केवल उसके लिए ही आरक्षित थे। उसने राइडर को अपने बालों को दिखाने के लिए साप्ताहिक पार्टी आयोजित करने के लिए मजबूर किया। इसे देखो, मेरे बालों की उज्जवल चमक देखो। फिर भी राइडर ने अपनी पत्नी को भोगना जारी रखा, लेकिन जब टिफनी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो सब कुछ बदल गया। ये नहीं हो सकता है ना? जब वो जागी तो लंबे बालों वाली राजकुमारी ने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी। तुमने मेरे बालों के साथ क्या किया? तुम कौन हो? मैं टॉन्सर हूँ। मैंने तुम्हें जंगल में खोया हुआ पाया महामहिम। तब तक आपके बाल गायब हो चुके थे। मैं आपको यहाँ लाया हूँ। ये कहाँ है? छोटे बालों वाला गांव। क्या मुझे यहीं रहना होगा? अगर तुम वापस जाओगे तो वे तुम्हें किनारे कर देंगे, और कौन कह सकता है कि वो तुम्हें पहचान लेंगे। वो गलत नहीं है, मेरे बाल झड़ गए हैं। अनिच्छा से टिफनी ने उस युवक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहाँ रहने के लिए उसे काम करना पड़ा। असली में सिर्फ अपने जादुई बालों का उपयोग नहीं कर रही थी, निसंदेह वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकी। प्रीति को नापसंद करते हुए उसने लंबे बालों वाले लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया, और वो सच में किसी भी चीज में उत्कृष्ट नहीं थी। बाल ब्रश करने से भी आग कैसे लग सकती है? कठिनाइयों के बावजूद टिफनी ने वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। वो बहुत लज्जित थी और किसी ने उसे नहीं पहचाना। फिर से निकाल दिया? हाँ, इसके बजाय आओ मेरे साथ काम करो। हालांकि इससे पहले कि वो शुरू कर पाती, नवांग तो आपके बाल घोड़े की पूंछ इतने लंबे भी नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो कितनी असहनीय हुआ करती थी। आश्चर्य के बाद ये है कि टॉन्सर उसके लिए खड़ा हुआ। उसे बचाने के लिए उसने अपनी नौकरी खोना भी स्वीकार कर लिया। टिफनी समझ गई कि उसने छोटे बालों वाले लोगों को गलत समझा है। जादू की कमी के कारण एकजुट होकर उन्होंने स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद की। टॉन्सर और छोटे बालों वाले लोगों ने विशेष रूप से टिफनी की बहुत मदद की। हे, किसने मदद मांगी? धीरे धीरे दोनों के बीच एक कनेक्शन बन गया। एक दिन टिफनी को अकेले राजधानी का दौरा करना पड़ा। किसी ने भी उन्हें लंबे बालों वाली राजकुमारी के रूप में नहीं पहचाना। और उसने अपने पूर्व पति राइडर को देखा, लेकिन वो अलग लग रहा था। ये बाल क्यों दिखते हैं? अजीब लेकिन परिचित। क्या ये मेरे बाल है? ये आप है, आपने मेरे बाल चुरा लिए। क्या वो राजकुमारी नहीं है? बिल्कुल, वो उसी का चेहरा है। जाहिर है टिफनी को तुरंत पकड़ लिया गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अभी भी जीवित होंगी। ये पता चला कि राइडर लंबे समय तक जीवित रहा था। उसने अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए खूबसूरत बाल चुराए। क्योंकि टिफनी इतनी प्रसिद्ध थी, उसे अपनी भयावह योजना को पूरा करने के लिए उसे शादी करने के लिए धोखा देना पड़ा। एक बार मेरे पास तुम्हारी माँ के बाल थे, तुम्हारा तो और भी अच्छा है। इन छोटे बालों ने मेरी माँ को आहत किया।
मैंने उन लोगों को काम पर रखा है, इस बार कुछ भी अलग नहीं। उस टॉन्सर को आपका जीवन समाप्त कर देना चाहिए था, तभी बाल सचमुच मेरे होंगे। एक बार मैं काफी शक्तिशाली हो गया, मैं राज्य के बालों पर जादू से कब्जा कर लूंगा। जनता को धोखा देने के लिए राइडर ने टिप्पणी पर सार्वजनिक मुकदमा चलाया। इन छोटे बालों वाली महिला ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया है, उसका प्रतिरूप लिया है। आरोपों को सामने लाओ। तत्काल निष्पादन, ये कोई बहाना है। रुक जाओ। टॉन्सर अचानक प्रकट हुआ, जिसने राइडर के सभी गलत कामों को उजागर कर दिया। वो बाल राजकुमारी के पूर्व बालों के समान। मुझे ये तुरंत पता चल गया, एक जालसाजी। और तब सबके बाल मेरे होंगे और तुम्हारे भी। टॉन्सर ने टिप्पणी की सहायता के लिए दौड़ते हुए हस्तक्षेप किया, लेकिन उसे उसके लिए अपनी जान का सौदा करना पड़ा। टॉन्सर, क्या आपको याद है, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। वो तुम ही थी जिसने मुझे बचाया। मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे बाल काट दिए, राजकुमार को धोखा दिया और तुम्हें छिपा दिया। मुझे क्षमा करे, मुझे बहुत दुख है। बालों में जादू जगा दिया। मुझे पता है मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। उसके बालों ने राइडर को दंडित किया और उसके पास लौट आए। हालांकि नया जादू टॉन्सर को बचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। आप प्यार करते हैं, उन्हें बचाने के लिए अपने बालों का बलिदान देने में संकोच न करें। उसने इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए अपने बलिदान देने का फैसला किया। टिफनी, हालांकि उसके बाल झड़ गए, टिफनी ने उस आदमी को बचा लिया जिससे वो प्यार करती थी और उसने पूरे राज्य की मानसिकता बदल दी। इन दो छोटे बालों वाले व्यक्तियों ने पूरे राज्य को बचा लिया। तब से लंबे बाल और छोटे बाल वाले लोग एक साथ सौहार्द पूर्वक रहने लगे। जहाँ तक टिफनी का सवाल है, वो परिपक्व हुई और सही शासक बन गई। और अजीब तरह से उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, जिससे उसे एक बार फिर राज्य की सहायता के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति मिल गई। जब बारिश होती है तभी इंद्रधनुषी परियां प्रकट होती है। वे जीवन में नकारात्मक मुद्दों को दूर करने के लिए जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। वे हमेशा लोगों को उनके लक्ष्यों के प्रति प्रेरित करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। हर बार जब वे कोई मिशन पूरा करते हैं तो इंद्रधनुष परियों के पास सुंदर इंद्रधनुष बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। उनकी कहानी को जानने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। लोगों का मानना है कि इंद्रधनुष भविष्य में आशा, सफलता और भाग्य का प्रतीक है, इसीलिए इंद्रधनुष परियों का काम बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले परियां ब्लॉसम्स, बबल और बटरकप है। पावर गर्ल्स टीम, इकट्ठा हो जाओ। ये लड़की ब्लॉसम है, टीम की लीडर। इसी तरह बारिश होती रहती है, ये बहुत उबाऊ है। और ये है बटरकप, वो सख्त और टीम की सबसे मजबूत फाइटर है। हे दोस्तों, मेरा इंतजार करो। और ये बबल है। बबल ठीक है, बबल तो बस बबल है। अपनी प्रतिभाशाली दोस्तों की तुलना में वो कुछ हद तक असुरक्षित, अनाड़ी और थोड़ी बिखरी हुई महसूस करती है, इसीलिए वो सबसे छोटी मानी जाती है। उसे अक्सर ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्तों जितनी अच्छी नहीं है और वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। अब सबसे ज्यादा डर दूसरों की आलोचना से उसे लगता है, चाहे वो अयोग्य महसूस कर रही हो या वो सोच रही हो कि बटरकप और ब्लॉसम उसके बिना बेहतर होंगे। उसने समूह में अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए बहुत प्रयास किया, फालतू समझे जाने से बचने के लिए। हालांकि ये अभी भी बहुत कठिन है। वो बेचारे बुढ़िया। तुम बहुत संवेदनशील हो, ये नौकरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। सफल इंद्रधनुष कृतियों का जश्न मनाने वाली पार्टियों में हालात बदतर हो गए। ब्लॉसम और बटरकप दोनों में सुंदर लोग थे जिन्होंने उन्हें नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बबल ने ऐसा नहीं किया। बबल आत्मसंदेह और अपमान में डूब गई। उस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, वो उनके जैसी क्यों नहीं बन सकती। हे, क्या तुम ठीक हो? बबल को कोई सहानुभूति नहीं चाहिए थी और इसीलिए बबल ने अपने भीतर नफरत का बीज बो लिया।
वो जितनी अधिक नकारात्मक सोचती वो उतनी ही गहराई में गिरती जाती। अपने दोस्तों द्वारा उसे सांत्वना देने की कोशिश के बावजूद वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसी समय नश्वर संसार में एक तूफान चल रहा था। पावरपफ गर्ल्स टीम, आप जानते हैं कि क्या करना है। इस तूफान को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली इंद्रधनुष बनाएं। उनका पहला काम एक लड़की को उसके क्रश के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने में मदद करना था। लड़की असुरक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी साधारण पृष्ठभूमि युवक को अस्वीकार्य होगी। उसे प्रोत्साहित करें ब्लॉसम, मैं उन वज्र परियों को संभाल लूंगी। आप अपने तरीके से खूबसूरत हो, अपने आप पर यकीन रखो। इसमें रोने की कोई बात नहीं है, वैसे भी प्यार सब नकली है। वे अपनी पहली असफलता के बाद अत्यधिक निराश होकर इंद्रधनुष साम्राज्य में लौट आए। तूफान तेज हो गया और उनके पास इंद्रधनुष बनाने के लिए पर्याप्त परिधूल नहीं थी। ठीक है बुलबुल, आराम करो, थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन गंभीरता से, मैं वास्तव में आपसे निराश हूँ। मैं बस टीम को खराब करने में अच्छी हूँ। जब वो शांत हो गई तो बबल अपने दोस्तों से माफी मांगने गई, लेकिन उसने जो देखा उससे उसका दिल और भी टूट गया। बुलबुल बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गई है, वो पावरपफ गर्ल्स की टीम में रहने लायक नहीं है, मुझे अपने साथ शामिल होने दो। क्या वो सचमुच में उसकी जगह लेना चाहते थे? भारी मन से बबल जंगल में घूमने चली गई। ये वज्र परियों का क्षेत्र है। थंडर परियां इंद्रधनुष परियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वे विनाशकारी तूफान को पैदा करने के लिए नकारात्मक भावनाओं की तलाश करते थे। बबल को उनके द्वारा कई बार परेशान किया गया था। वो, मुझे मत मारो। शांत हो जाओ छोटी लड़की, तुम्हें यहाँ लाने का कोई तो कारण होगा। मैं तुम में प्रबल नकारात्मक ऊर्जा देख सकता हूँ। थंडर परियों ने बबल की पुरानी यादें ताजा कर दी, कैसे उसे ब्लॉसम और बटरकप के साथ रहने की कोशिश करनी पड़ी थी। अब वे उसके सबसे बड़े डर, त्याग दिए जाने की भावना से रूबरू करा रहे थे। अगर उन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। बबल ने थंडर परियों में शामिल होने का फैसला किया। बबल को ये नहीं पता था कि उसके दोस्त उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। प्रतीक्षा करने का समय ना होने पर उन्होंने बबल की जगह लेने के लिए अस्थायी रूप से एक और परी को टीम में स्वीकार कर लिया। ब्लॉसम और बटरकप बबल के बिना संघर्ष कर रहे थे। अपने अनाड़ीपन के बावजूद बबल वह थी जिसने सभी को हंसाया। ऐसा लग रहा था कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। लंबे समय के बाद आखिरकार उन्होंने एक चमकीला इंद्रधनुष बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हासिल कर ली, लेकिन उनके प्रयास शीघ्र ही रोक दिए गए। क्या इंद्रधनुष? ये बहुत परेशान करने वाला है। बुलबुल, आपको क्या हुआ? बात करना बंद करो। अब से मेरा एक नया परिवार है, हम आप सभी इंद्रधनुषी परियों को हरा देंगे। थंडर परियों ने दुष्ट चाले खेलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ब्लॉसम और बटरकप भी उनके विनाश के सामने शक्तिहीन थे। इंद्रधनुष के बिना कोई आशा नहीं है और कोई आशावाद नहीं है, हर कोई नकारात्मकता में घिर जाएगा। तुम किसका इंतजार कर रही हो बबल? उन्हें नष्ट करो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया। वे मेरी जगह क्यों लेना चाहेंगे? मैंने बहुत कोशिश की। तुम पागल हो, हमने कभी ऐसा इरादा नहीं किया। बटरकप की झिझक ने थंडर परी नेता को क्रोधित कर दिया। सच्चाई की पुष्टि के लिए उसने उसके दो दोस्तों की यादें निकाली, लेकिन यादें वैसी नहीं थी जैसी उम्मीद की गई। शायद हमें बुलबुल को आराम करने के लिए और समय देना चाहिए, या क्या हमें अस्थायी रूप से किसी नए व्यक्ति को ढूंढना चाहिए? उन दोनों के बीच दोस्ती के कंगन को देखकर ब्लॉसम को अत्यधिक भावनाओं का अनुभव हुआ। बुलबुल के बिना कोई पावरपफ लड़कियां नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगी। उनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व और विशिष्टता अलग अलग है। बबल को केवल अपने में फिट होने के लिए किसी को बदलने या उसका पीछा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने दोस्तों की वास्तविक भावनाओं को समझते हुए बबल अंधेरे से मुक्त हो गई। मैं सचमुच, आप लोग मुझे क्षमा करो। ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे बच गए। नहीं बुलबुल।
जाओ ब्लॉसम, मुझे मत छोड़ो। पीड़ा ने बबल को अतिरिक्त ताकत दी, वो उन्हें हराने के लिए दृढ़ संकल्प थी। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसे वो करने की जरूरत है जिसमें वो सर्वश्रेष्ठ है। वो सारी नकारात्मकता को शुद्ध कर देगी। यदि वो मनुष्यों के साथ ऐसा कर सकती है तो इन वज्र परियों के साथ होगी। चलो बटरकप, एक साथ लड़ते हैं। उन्होंने वज्र परियों से नकारात्मक ऊर्जा को सोख लिया और इसे परिधि में बदल दिया। इस जगह से सारी नकारात्मकता पूरी तरह से खत्म हो गई, दूर हो गई। एक पल में इंद्रधनुष भूमि ने अपना सुंदर रंग पुनः प्राप्त कर लिया जैसा कि पहले था। बबल और बटरकप हर जगह उड़े, परी धूल फैलाई और एक चमकदार इंद्रधनुष बनाया। लोग एक बार फिर आशा और खुशी में डूब गए। तुमसे प्यार करती हूँ ब्लॉसम। जब आपके पास पर्याप्त प्यार, विश्वास और आशा होती है तो असली जादू होता है। हे, तुम किस लिए रो रहे हो? इंद्रधनुष परियों के बीच सच्ची दोस्ती के बदौलत ब्लॉसम को इंद्रधनुष की पुनर्जीवन शक्ति प्रदान की गई थी। कबल को एहसास हुआ कि सच्चे दोस्त हमेशा उसे स्वीकार करेंगे, कमियां और सब कुछ, और उसे समझेंगे। उसे बदलने या किसी का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सच्चे दोस्त हमेशा आपके साथ रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।